बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेसन नंबर 46 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6। एंड टुडे वी विल डिस्कस इंशाल्लाह ताला एमसीक्यूज एंड सम शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नंबर 6। स्टार्ट करें स्टूडेंट अगर हम अपने एमसीक्यूज से, तो एमसीक्यूज में हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, दिस इज़ The work done will be zero when the angle between the force and the distance is। स्टूडेंट हमने ये बताना है कि हमारा work done zero कब होगा, जब हमारे force और displacement के दरमियान जो है वो angle कितना होगा। हम इस चीज़ को पहले भी याद कर चुके हैं कि जब हमारे पास angle 90 degree होता है। work done में हमने तीन cases पढ़े थे, parallel, perpendicular और at some angle का। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एंगल आपका 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री एंगल पर हमारा वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। द स्टेटमेंट फॉर द सेकंड एमसीक्यूज इज़ इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन द वर्क डन विल बी। अगर आपके पास ये कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ऑब्जेक्ट की या ऑफ़ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी सेकेंड केस डिस्कस किया जा रहा है परपेंडिकुलर वाला, तो यहाँ पर भी आप देखें कि आपके पास परपेंडिकुलर में एंगल क्या बनता है। इसके अंदर भी परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल पर हमने ये अभी ऊपर बात की कि वर्क डन विल बी ज़ीरो, सो यहाँ पर भी आंसर ज़ीरो होगा। पार्ट नंबर 3 इज़ इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। अगर हम काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की उसमें वेलोसिटी को डबल कर दें, तो स्टूडेंट अगर फार्मूला के अंदर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वेयर के अंदर अगर हम v को स्टूडेंट 2v कर दें, यानी कि डबल कर दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ यूँ होती है कि हमारे पास बिकम्स 4 टाइम्स डबल हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पर फोर्थ एमसीक्यूज है स्टूडेंट, द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 5 meters अबव द ग्राउंड विल बी। अब देखें कि मास 2 kg है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 meters है। वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी। यहाँ पर फोर्स अवेलेबल नहीं है और ऑब्जेक्ट जो है उसकी अंदर पोजीशन की चेंज आ रही है हाइट की फॉर्म के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ हम कंक्लूड करेंगे कि वर्क डन इज़ इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो फार्मूला होता है एम जी एच का। तो एम जी एच के अंदर अगर आप एम की जगह पर मास m की जगह पर 2 और हाइट की जगह पर 5 और g की वैल्यू 10 पुट कर दें, तो आंसर आपके पास आएगा 2 × 10 = 20 एंड 25 × 100 joule। पार्ट नंबर 5 इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज़ 25 joule, इट्स स्पीड इज़। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज़ 25 joule, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास 25 joule है अगर ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 5 kg होगा, तो इसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो हाफ एम वी स्केयर के फार्मूले में से वी को आप सबसे पहले सेपरेट करेंगे और उसके बाद आप अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आपके पास आंसर यहाँ पर निकलता है 5 meters per second का। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस जो है वो कन्वर्ट करती है। तो लाइट एनर्जी स्टूडेंट हम मोस्टली लेते हैं अपने सन से, तो सन से जो लाइट एनर्जी हमारे पास आती है हम उसे कन्वर्ट करते हैं इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटो सेल मीन्स सोलर सेल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट, व्हेन अ बॉडी इज़ लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, द वर्क डन ऑन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर हाइट हम चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी आती है। तो स्टूडेंट दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एंड बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। पार्ट नंबर 8 पर आते हैं जी। पार्ट नंबर 8 है द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज़। कोल से मुराद है कोयला, और कोयले के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है स्टूडेंट वो कौन सी होती है, दैट इज़ द केमिकल एनर्जी। और फिर केमिकल एनर्जी यूटिलाइज होकर जो है वो फर्दर उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज़। डैम में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है स्टूडेंट, डैम क्योंकि हाइट्स पर होते हैं, पानी की लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा। इन आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वेशन सी इज़ द। अब देखें मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये कहा था कि अपने आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वेशन के अंदर इक्वेशन को याद रखना है, उसके अंदर सी का मतलब क्या है ये याद रखना है और उसकी वैल्यू को याद रखना है। सो व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सी, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर द 10th एमसीक्यूज़। एंड द लास्ट एमसीक्यूज़ इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड।
what is meant by the rate of doing? Rate of doing means W over T, and W over T describe the power. चलते हैं स्टूडेंट अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, और शॉर्ट क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर मिल चुके हैं. जब डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया था डिटेल मार्किंग के अंदर या पिंक कलर के ब्लॉक्स के अंदर जो है अक्सर हमारे पास डेफिनेशंस मेंशन होती हैं. फर्दर अगर हम सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा रिव्यू कर लें तो उनके लिए स्टूडेंट ये आपके सामने कुछ मैं आंसर्स शो कर रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 6.2, डिफाइन वर्क एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट. स्टूडेंट सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन पिंक ब्लॉक में लिखी थी. एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज़ जाउल, और जाउल की भी डेफिनेशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है एक्स्ट्रा एक अच्छा इंप्रेशन शो करने के लिए. एंड दस द मैथमेटिकली 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क. फोर्स कब काम करती है. स्टूडेंट फोर्स तब काम करती है, वर्क डन हमारा फोर्स की मदद से सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे या डिस्टेंस कवर करे. अगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता या डिस्टेंस कवर नहीं करता तो इट्स मीन्स देर इज़ नो वर्क डन. सो सिंपली व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, देन वी सेड द वर्क इज़ डन. तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू और कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल फार्मूला भी यहाँ साथ ही डिस्क्राइब किया गया. फर्दर स्टूडेंट अगर आप इसके अंदर आते हैं हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन पे, तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास व्हाई डू वी नीड इनर्जी. हमें इनर्जी क्यों चाहिए. सिंपली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनर्जी वी नीड इनर्जी टू डू अ वर्क. हमें तो काम करने के लिए इनर्जी चाहिए, तो सिंपल इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देंगे. वी नीड इनर्जी टू डू अ डिफरेंट वर्क्स इन आवर डेली लाइफ. व्हेन वी से अ बॉडी हैज़ इनर्जी वी मीन इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो साथ साथ याद रखने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है जी, डिफाइन इनर्जी. इनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे एंड गिव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इनर्जी. ओके, यानी इनर्जी पहले डिस्क्राइब करें और इनर्जी की टाइप्स में या फॉर्म्स ऑफ इनर्जी के अंदर एक फॉर्म थी मैकेनिकल, और मैकेनिकल की फिर दोबारा से दो हमारे हमने टाइप्स डिस्कस की थी, एंड डेट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल इनर्जी. तो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले काइनेटिक इनर्जी, फिर उसके बाद पोटेंशियल इनर्जी. तो इनर्जी की डेफिनेशन के साथ साथ टाइप्स ऑफ इनर्जी भी हमने लिख दी. क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन काइनेटिक इनर्जी ड्राइव इट्स रिलेशन. ये शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है. अगर शॉर्ट में आ जाए तो यू जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन प्लस फार्मूला, एंड सेम फॉर द पोटेंशियल इनर्जी. पोटेंशियल इनर्जी की डेफिनेशन और उसका फार्मूला. लेकिन अगर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, तो फिर आपको स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, इसका फार्मूले की मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. तो ये चीज़ें आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी कर सकते हैं, और अगर डायग्राम के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो शो होगा. क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट हमारे पास पोटेंशियल इनर्जी का, बल्कि इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, साथ ही काइनेटिक और पोटेंशियल सेम है. पोटेंशियल लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में नहीं आता, लेकिन जो काइनेटिक इनर्जी वाला हमारे पास क्वेश्चन है ये लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है. तो हम यहाँ पर इस लॉन्ग को, हम पोटेंशियल को एज अ लॉन्ग कंसिडर ही नहीं करते फिर, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाई द फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल से मुराद है स्टूडेंट जो दोबारा यूज ना हो सकते हो. और दोबारा क्यों नहीं यूज हो सकते, एक तो पहले ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बनने में, और जब बनने के बाद क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स वाले होते हैं तो जब हम इनको बर्न कर देते हैं जला देते हैं तो ये एशिज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो एशिज दोबारा से रीयूज नहीं हो सकती. डैट्स वाई वी कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स एज अ नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसकी डिटेल भी स्टूडेंट मैंने मैंशन कर दी है. एंड दिस इज फॉसिल फ्यूल्स आर टेकन अ मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड आफ्टर गिविंग इनर्जी और बर्निंग दे कंज्यूम्ड कम्प्लीटली एंड कैन नॉट यूज अगेन, सो दे आर कॉल्ड अ नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ इनर्जी. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच फॉर्म ऑफ इनर्जी इज प्रेफर्ड एंड वाई. कौन सी ऐसी फॉर्म ऑफ इनर्जी है जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं और क्यों हम खत्म इसको प्रेफर करते हैं. स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाने वाली इनर्जी हमारे पास सोलर इनर्जी है, यानी सूरज की रोशनी, सूरज से आने वाली लाइट और हीट इनर्जी. और इसको हम प्रेफर इस वजह से करते हैं क्योंकि ये ना ख़त्म होने वाली है और रीन्यूएबल है. बार बार जितना मर्जी इसको इस्तेमाल कर लें ये ख़त्म नहीं होती, सो डैट्स वाई. और इसी तरह से कोई ख़ास इसकी वजह से हमारे पास हार्मफुल पोल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं होती हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, ये भी एक पर्पज़ है. तो यहाँ मैंने कुछ डिटेल लिखी है, जैसे कि सोलर इनर्जी इज़ प्रेफर्ड बिकॉज इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इनर्जी फॉर लाइफ एंड
sun rays do not pollute the environment as well. So it is a huge and renewable source of energy. It is enough to fulfill our requirements of energy. और ये हमारी energy की requirements को पूरा करने के लिए काफ़ी भी है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ इज़ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कोई भी एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, दिस इज़ अ कंक्लूजन अबाउट द एनर्जी डैट डिस्क्राइब एनर्जी इज नैदर बीन क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट ओनली कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ना बनाई जा सकती है ना तोड़ी जा सकती है, सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में टोटल सेम कंजर्व रहते हुए कन्वर्ट होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ फ्यूल इन अ कार इंजन. जब फ्यूल बर्न होता है कार इंजन में तो उस वक्त क्या क्या चेंजेस आती हैं एनर्जी की. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी कन्वर्ट इंटू अ हीट, हीट एनर्जी इंटू अ साउंड, साउंड इंटू अ काइनेटिक एनर्जी एंड डैट हेल्प्स हिम टू मूव. और काइनेटिक एनर्जी फिर हेल्प करती है गाड़ी को चलने के अंदर. इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल का नाम भी दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर्स में अक्सर पूछा जा चुका है. नेम द 5 डिवाइसेस डैट कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में आता है मैकेनिकल वर्क करने के लिए. इलेक्ट्रिक फैन यानी कि लाइट यूज़ करता है और आपको हवा देता है. एलिवेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है, यानी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे. एलिवेटर से मुराद है लिफ्ट. ड्रिल मशीन एंड ग्राइंडर. आप इनके अलावा भी कुछ नेम्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, नेम द डिवाइसेस डैट कैन कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल. अब कोई ऐसी डिवाइसेस का नाम बताएं जो उल्टा काम करते हैं, यानी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल की तरफ आते हैं. तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल की तरफ आने वाली जो हमारे पास डिवाइसेज हैं उनके नाम स्टूडेंट कुछ हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसमें कि फॉर एग्जांपल हम लोग उसका केमिकल प्रोवाइड करते हैं एज अ फ्यूल, फिर वो मैकेनिकल वर्क करता है और मैकेनिकल से फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है इस तरह से. देन विंड मिल, टाइडल वेव्स कन्वर्टर. ये टाइडल वेव कन्वर्टर से मुराद ये है कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम समुंदर के अंदर रख देते हैं और समुंदर की लहरें जो हैं वो अपनी एनर्जी इस टाइडल वेव को मूव करवाने में लगाती हैं. तो फिर जैसे ही टाइडल वेव्स मूव करती हैं तो हमारे पास मैकेनिकल वर्क होता है और मैकेनिकल वर्क से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज मीन्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम. स्टूडेंट सिंपल एफिशिएंसी की डेफिनेशन और फार्मूला आप यहां पर मेंशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 में है, हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम. आप एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला वी कैन फाइंड आउट दिस. तो इसके लिए फार्मूला यहां पर मेंशन कर दें. क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म पावर. कि पावर से क्या मुराद है. पावर का स्टूडेंट डेफिनेशन, इट इज मीन्ड बाय द रेट ऑफ डूइंग वर्क. द फार्मूला फॉर द पावर इज वर्क डन ओवर टाइम. इट इज रिप्रेजेंटेड एज पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी. द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. नाउ यू हैव टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ वॉट. सो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट वॉट की, तो वॉट की डेफिनेशन जब हम लोगों ने डिस्क्राइब करनी है तो स्टूडेंट फिर हम सिंपल पहले वॉट की डेफिनेशन लिखेंगे. द पावर ऑफ अ बॉडी इज 1 वॉट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जाउल पर सेकेंड. इसकी कुछ बिगर यूनिट्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर. तो आप ये भी साथ मेंशन कर सकते हैं. तो ये आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि जिनके आंसर्स मैंने आपको रिटन फॉर्म के अंदर जो है वो बता भी दिए और साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर्स को समझा भी दिया. कुछ इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट और भी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा फॉर्म के अंदर हर चैप्टर में से बन सकते हैं मोस्टली. और ये फर्दर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अभी हम अपने लेक्चर में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको इनके नोट्स वगैरह चाहिए हो तो स्टूडेंट वो आप अपने स्कूल से ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी मिल जाएंगे आपके हर इंडिविजुअल चैप्टर के जो पॉसिबल हैं. या कि आपकी बुक के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैं अक्सर मार्क करवा देता हूँ कि बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हमने नोट्स की फॉर्म के अंदर जो है वो कम्प्लीटली मेंशन किए हुए हैं. तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं. तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर. उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम अपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़.